hello students welcome to my new video today we are going to discuss about a new reaction that is the crossed kanijaro reaction it is same as the kanijaro reaction as we have discussed in our previous video just previous video so where we have seen that uh, the two molecules of same aldehyde will be reacted to each other and forming the product in the presence of concentrated alkali here in crossed canizzaro reaction here when canizzaro reaction occur between two different aldehyde and uh, which have no alpha hydrogen in the presence of concentrated alkali here four different product is formed, but in the last stage of the reaction there is only we get only two product that is alcohol and formate Okay, so here we have taken two different and simple aldehyde which have no alpha hydrogen. So here is the benzaldehyde. एंड हीज द फॉर्मल डिइड इन द प्रजेंस ऑफ दिस कंसनट्रेटेड अल्कोहलिक के ओ एच सल्यूशन ओके एंड फॉर्मिंग प्रोडक्ट एज अल्कोहल एंड फॉर्मेट ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ओके okay? तो अब हम देखेंगे इसकी जो मैकेनिज्म है हमने इसको तीन स्टेज में डिवाइड किया है जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें So in the first step of the reaction, here is the step first. So here is the first molecule of aldehyde that is formaldehyde that reacting with the this concentrated KOH solution. So the hydroxyl ion of this base KOH potassium hydroxide is attack. ऑन द फॉर्मेलिटी हाइट वेयर इट गोइंग टू अटैक हाइड्रोक्साइड आयन हमारा निगेटिव है और जो हमारा के है जो हमारा पोटैशियम है वो पॉजिटिव है सो so, यहाँ क्या होगा ये ओवेच OH अटैक करेगा के और ओवेच OH किस में टूटेगा के प्लस आइन ओवेटिव ओव एच निगेटिव अटैक करेगा ओके okay. तो ये ओवेच जब अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ओवेच अटैच हो जाएगा ओके ये हाइड्रोजन है इसको याद रखिएगा वो थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है वो हाइड्रोजन है ओके और ये प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ से एक एच निकलेगा और के भी यहाँ से निकला हुआ होगा ठीक तो के एच यहाँ से निकलेंगे और ये अटैक कहाँ करेंगे बेंजल डिहाइड पे पर जो हमारा दूसरा एल्डिहाइड है ओके तो स्टेप टू में क्या होगा देखिए स्टेप टू में येल डी इट इज़ रहा ओ एच का और इससे सबूशन हुआ यहाँ पे एच की जगह ओ एच आ गया और एच यहाँ से निकल के एज अ अटैकिंग एजेंट और के प्लस के साथ एक्ट करेगा ओके तो होगा क्या कि अब ये जब बेंजल डिहाइड पर रिएक्ट करे अटैक करेगा तो ये निगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो ये कहाँ अटैक करेगा ये फिर अटैक करेगा यहाँ पर क्योंकि इसको पॉजिटिव चाहिए नहीं तो ये ऑक्सीजन से अटैच हो जाता जाके वो निगेटिव था एच प्लस जब निकलता है जनरली पॉजिटिव होता है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेके ही निकलेगा क्योंकि प्रोटॉन कभी नहीं चलता है ओके प्रोटॉन कभी मूवेबल नहीं होता हमेशा इलेक्ट्रॉन के साथ ही एटम मूवेबल होता है तो जब ये एच प्लस आएगा और अटैक करेगा सॉरी एच माइनस जब आएगा और अटैक करेगा यहाँ पर तो ये बॉन्ड फिर से टूटेगा और यहाँ पे एच अटैच्ड हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या आएगा जो यहाँ पे के निकला था के ओ एस से तो के आएगा और यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा तो जो हमने शुरू में चार प्रोडक्ट बनने की बात कही थी तो यहाँ पर हमारा एक प्रोडक्ट ये बना दूसरा प्रोडक्ट हमारा ये बन गया ओके अब तीसरा और चौथा आपको प्रोडक्ट बताते हैं तीसरा और चौथा प्रोडक्ट हमारा कैसे बनेगा वो हमारा स्टेप थ्री में बनेगा अब क्या होगा एक ये हमारा सी डब्ल्यू एच बना और एक हमारा ये बना फॉर्मेट ठीक तो हमारा पहला प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट तीसरा प्रोडक्ट और चौथा प्रोडक्ट तो ये इंटर कन्वर्जन होगा इन दो शुरू के बने हुए प्रोडक्ट में तो एच का सब्सटीट्यूशन ओ से होगा और के का सब्सिट्यूशन यहाँ आएगा ओके तो ये वाला एन जो है वो फॉर्मेट आइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो है ये बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा ओके okay, एल्कोहल बना लेगा सॉरी बेंजल डिहाइड नहीं एक अल्कोहल बना लेगा ठीक जो कि बेंज़ाइल अल्कोहल ही होगी इसका नॉमन क्लेचर आप कर लीजिएगा ओके okay, तो ये थी हमारी क्रॉस कैनी जारू रिएक्शन बस इसमें इतना ही है और इतना ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है इससे ज़्यादा कहीं पर भी नहीं है आप नीट में देख लें आप जे ई के सिलेबस में देख लें या क्लास ट्वेल्थ में देख लें इसके आगे आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा ये सिंपल सी रिएक्शन होती है लेकिन जब हम इसे एक लाइन में लिखते हैं तो ये हमें बहुत ही टफ़ लगती है ओके तो ये इससे सिंपल लैंग्वेज में इसे नहीं समझा जा सकता है ओके तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और हर बार की तरह मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम न्यू वीडियो ला सकें ओके और इसको शेयर करिए लाइक ज़रूर करिए हमारे चैनल को ओके सो थैंक यू